मतलब हमला करना चाहा, इस तरह से वो लोग पीछे हट गए। काफी बुलेट था, हम लोग सोचे कि मतलब नहीं बचे हैं ऐसा। वो जो जिसने हमला किया वो किन के लड़के हुए? वो मोहम्मद सफरुद्दीन खान। गोला कतनी समाचार बटुए विक्रमगंज से रिपोर्टर बानी राजू रंजन दुबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी, दवा व्यवसायी पे छुरा से भइल हमला, अस्पताल में इलाज जारी लेकिन स्थिति अभी बटुए गंभीर। खबर का बा विस्तार से जानी। रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखंड थाना क्षेत्र के घोसिया कला पंचायत में 26 नवम्बर सुबह के देर शाम एगो दवा व्यवसायी को जानलेवा हमला करके बुरी तरह से जख्मी कर दिया गई। जहां अस्पताल में इलाजरत जख्मी अब जिंदगी या मौत से जूझ रहा बड़न। ओजे घटना के संबंध में बतावल जाता कि घोसिया कला गांव के 55 वर्षीय निवासी जावेद खान शुक्र के देर शाम करीब 9 बजे अपना घर से खाना खा के गाँव स्थित मस्जिद समीत एगो दलान में अपन कुछ मित्र से बतियावत रहन। यही बीच वो मोबाइल से बात कर दलान से बहरी निकल के बात करे लगलन। तबे पहले ही से घात लगा के बैठल वही गांव के सफरुद्दीन खां के पुत्र फैजान खां उर्फ भोलू जावेद खां पे तेज धारदार छुरा से शरीर के सब जगह पे ताबातोड़ हमला करे लगलन। ये घटना में दवा व्यवसायी के चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गई, हाथ के कलाई के नस कट गई। जेकरा बाद चीख पुकार सुन के ये घटना के जानकारी मिलल लोग के मिलते अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आनंद फानंद में उनका वही रात शहर के निजी अस्पताल में इलाज खातिर भर्ती करेलन। जहाँ इलाज कर रहे चिकित्सक बतेलन की घटना में मरीज बुरी तरह से जख्मी बढ़ान जिनकर हालत अभी गंभीर बनल बा। दूसरा तरफ ये घटना मामला में विक्रमगंज थाना अध्यक्ष मनोज कुमार बतैनी की घटना के आरोपी के ही रात घोसिया कला से गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला का बटुए है मामला का भी पता नहीं चल पावत, लेकिन भोजपुरिया समाचार उड़ा के पीड़ित के लड़का के बयान सुनाई रूरा से भाई सुनब। और चैनल के अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन के बटन दबा के लाइक के खबर देखने के बाद लाइक के बटन दबाई और अधिक से शेयर करी ताकि देश न विदेश तक भोजपुरी आ भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। पल पल के अपडेट भोजपुरिया समाचार देत रही रौरा सबके भीड़ी रौरा सबके बड़ा खबर बटुए कि दवा व्यवसायी को छुरा से हमला भर बटुए लड़का के बयान सुनी पीड़ित के धन्यवाद। 26 नवंबर को जो घोसिया कला गांव में घटना घटी मस्जिद के पास, ये घटना कैसे घटी? रात में तकरीबन 8:45 में पापा खाना खा के घर से बाहर निकले और वहाँ पे दोस्त लोग रूम में बैठे हुए थे, साथ में गपशप कर रहे थे। उसी दरमियान फोन आया किसी का बाहर निकले बात करने के लिए मस्जिद के करीब, और वहीं पे भोलू नामक आदमी जिसका नाम है फैजान खान, वो आया एक धारदार हथियार लेकर और वो एक हमला करने लगा। वो हमला मतलब गर्दन में किया था, लेकिन वो हाथ डिफेंड करने के लिए अपना हाथ लगाए, जैसे हाथ लगाए तो वो कलाई कट गया। फिर उसके बाद वो अपना लेफ्ट हैंड लगाए, उस पर भी मार दिया। उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो गाल पे वो मतलब हमला किया। फिर बहुत सारे लोग बचाने आए, उनके दोस्त वगैरह लोग, तो उन लोग को भी मतलब हमला करना चाहा। इस तरह से वो लोग पीछे हट गए। काफ़ी बुलेट था, हम लोग सोचे कि मतलब नहीं बचे हैं ऐसा। वो जो जिसने हमला किया वो किन के लड़के हुए? वो मोहम्मद सफरुद्दीन खान, सफरुद्दीन खान के लड़के हुए। घोसिया कला में उनका वार्ड नंबर किस में घर हुआ, कहाँ वो रहते? वार्ड नंबर दो में। क्या जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? जी हाँ, उसकी गिरफ्तारी कल रात में हो चुकी है स्थानीय प्रशासन द्वारा। जी स्थानीय प्रशासन द्वारा। किसके सूचना पर गिरफ्तारी हुई? इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई स्थानीय थाना में। जी हाँ। अभी उनका इलाज कहाँ चल रहा है? करुणा हॉस्पिटल में विक्रमगंज शहर के करुणा अस्पताल। जी हाँ। क्या डॉक्टर साहब द्वारा क्या स्थिति क्या बताई जा रही है? सही है, मतलब स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है अभी, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, नाजुक स्थिति में भी है। डॉक्टर साहब जो है अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जी पहले से सुधार हुआ? पहले से थोड़ा हाँ इम्प्रूवमेंट है, सुधार है पहले से। आप उनके कौन लगते हैं? हम उनके बेटा हूँ। क्या नाम आपका हुआ? मोहम्मद शुएब जावेद। आपके पिताजी क्या करते क्या थे? मेरे पिताजी का मेडिकल है, मेडिकल स्टोर है, उसका नाम हिंदुस्तान मेडिकल स्टोर है। उनका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जावेद खान। उम्र उनकी तकरीबन कितनी? उम्र तकरीबन 55 साल। अभी उनका इलाज जारी है विक्रमगंज स्थानीय कोरोना अस्पताल में। जी।